अपने एक दिवसीय निजी कार्यक्रम के अंतर्गत आज बिहार सरकार के गृह विभाग के आईपीएस पदाधिकारी विकास वैभव पहुंचे बेगूसराय जिला के भगवानपुर थाना अंतर्गत बनवारीपुर बाजार में, जहां उन्होंने केएम कैंपस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को संबोधित किया। साथ ही मौके पर इस संस्था से विगत पिछले कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में दर्जनों छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करके उसमें अपना स्थान हासिल किया, जिसमें कई दरोगा पद को पाने वाले अभ्यर्थी थे, साथ ही कई अन्य विभाग के अभ्यर्थी थे जिनको उन्होंने सम्मानित किया। हालांकि जब विकास वैभव मंच पर आए तो फिर वो यादें सभी तरोताज़ा हो गई और उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि बेगूसराय तो मेरी जननी है और यहाँ जब मैं आता हूँ तो एक आईपीएस पदाधिकारी नहीं बल्कि बेटा के रूप में आता हूँ। आइए क्या कुछ उन्होंने संबोधित किया छात्रों को, आपको भी सुनवाते हैं। कल ही कुहाकर जी से मेरी बात हुई, इन्होंने बताया किस प्रकार इसी कुटिया में बहुत बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत अभाव में पढ़ते हैं और बहुत परिश्रम के साथ पढ़ते जब हैं तो सफलता अलग अलग परीक्षाओं में प्राप्त कर क्या शक्ति यहाँ छुपी है उसको साक्षात अनुभव भी करते हैं। अभी मैं आ रहा था, बीहड़ में रुका था कुछ समय के लिए। आजकल जहां भी जाता हूं सोशल मीडिया पे काफी लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग जिलों में मैं भी घूमता रहा हूं, लोगों से बात करता हूं। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, लेट्स इंस्पायर। तो कहना चाहता हूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार में कुछ है तो यही है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना, भले ही कोई अभाव दिखे उसमें निराश नहीं होना, मन में जो इच्छित लक्ष्य है उसके लिए पूरा परिश्रम करना और परिश्रम करने में कभी रुकना नहीं, पूरे धैर्य के साथ करना। लेट्स इंस्पायर बिहार कोई बहुत नई चीज नहीं, ये तो केवल स्मरण कराने का प्रयास है कि हम क्या थे। हर व्यक्ति को स्मरण करने की आवश्यकता है कि मैं क्या हूं। पूरे सृष्टि की असीम शक्ति हर आत्मा में उस रूप में समाहित है, परमात्मा का अंश। यदि व्यक्ति स्वयं को जान ले तो कमजोरी कहां रह जाएगी। इतिहास में कोई भी व्यक्ति अगर सफल हुआ तो कौन सफल हुआ, जिसके मन में आत्मविश्वास था कि मैं सफल हो सकता हूं। कोई भी व्यक्ति जब किसी लक्ष्य की कल्पना करता है, चाहता है कुछ प्राप्त करो तो कैसे होगा। कोई भी व्यक्ति जब चाहता है, कोई चाहेगा कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो कैसे संभव होगा, बताइए। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोई लक्ष्य हमको मिले कैसे मिलता है, मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही सही। सफलता का क्या रहस्य है, हर व्यक्ति जीवन में चाहता है मैं सफल हो जाऊं, लेकिन कल्पना कीजिए उसी आदमी की जो अभी मान लीजिए जिसकी अवस्था 15 साल की है, 20 साल की है, उसके मन में कुछ कल्पना है कि मैं ये बनू ऐसा करूं। हर व्यक्ति जो आज करीब 50 साल की अवस्था का होगा उसके मन में भी उस समय कभी कोई कल्पना नहीं होगी कि मैं ऐसा करूं आज से इतने साल बाद इस सुख में जाना जाऊं। पर क्या हर व्यक्ति सफल हो पाता है, इच्छा तो सबकी नहीं होगी, हर व्यक्ति चाहता है कि सफल हो जाए। क्या कारण है कि कुछ व्यक्ति सफल होते हैं बाकी लोग जो इच्छित सफलता होती है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निराश हो जाते हैं, और जब निराश हो जाते हैं तो जिससे मिलते हैं उसके साथ भी वैसे ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिसमें सकारात्मकता नहीं मिलती, एक प्रकार का नकारात्मक भाव होता है, एक प्रकार का संघर्ष होता है और बहुत लघु सोच विकसित हो जाती है। क्या कारण है, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, उससे आपसे बिल्कुल सही कहा परिश्रम। हालांकि इन छात्रों के बीच में
वो पदाधिकारी भी अपने तमाम आईपीएस के गुणों को भूल करके कुछ देर के लिए एक शिक्षक के रूप में छात्र संवाद प्रारंभ कर दिए और लग रहा था कि मानो एक आईपीएस पदाधिकारी नहीं बल्कि एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि छात्र उनके सामने कई ऐसे शब्दों को रखे जहां की वो भी गदगद हो गए और फिर उनका एक ही गुरु मंत्र था कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। आइए छात्रों से क्या संवाद किए इससे आपको जोड़ते हैं। वो तो अलग बात है, प्रेरित करने के क्या गुण है जो किसी व्यक्ति को होंगे जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है? सफलता, आत्मविश्वास। यदि व्यक्ति सफल नहीं है, उसके अंदर स्वयं आत्मविश्वास नहीं है, तो भला दूसरों को क्या बताएगा? लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए जो सारी चीजें हैं वो अपने अंदर विद्यमान है, अगर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं तभी हम असफल होते हैं। बात हम कर रहे हैं बिहार की, क्यों बात कर रहे हैं? लेट्स इंस्पायर बिहार, अगर बात कर रहे हैं क्यों कहते हैं कि हम इंस्पायर कर देंगे तो चीज़ें बदल जाएंगे? क्यों ऐसा लगता है कि केवल इंस्पायर करने की जरूरत है? चीज़ें तो वही हैं, जैसे व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ सफल होना चाहते हैं तो सब कुछ तो आपके पास ही है, केवल दृढ़ निश्चय होना चाहिए, परिश्रम करना होगा। इतना आपने कर दिया, कोई लक्ष्य असफल नहीं हुआ।